हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि एथिकल कॉग्निटिविज्म के बारे में। ठीक है, तो एथिकल कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को इंट्यूशनिज्म, इमोटिविज्म, ठीक है, और प्रेस्क्रिप्टिविज्म, डिस्क्रिप्टिविज्म, सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, तो अभी वीक में 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो ये। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, 4500 प्लस फिलोसफी का MCQ मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस कोर्स में हिस्सा लेते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा Gmail ID और Telegram ID दिया हुआ है, तो अगर कुछ इसके बारे में क्वेरीज हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेटाथिक्स को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, एक कॉग्निटिव, ठीक है, एक कॉग्निटिव और दूसरा है नॉन कॉग्निटिव। ठीक है, तो कॉग्निटिव मतलब क्या कि मॉरल जजमेंट्स कैन बी नोन। ठीक है, और नॉन कॉग्निटिविज्म मतलब मॉरल जजमेंट्स कैन नॉट बी नोन। ठीक है, तो जैसे कि इमोटिविज्म और प्रेस्क्रिप्टिविज्म है, राइट, नॉन कॉग्निटिविज्म के अंदर, और नेचुरलिज्म और नॉन नेचुरलिज्म, तो ये एम्पिरिकल व्यू है नेचुरलिज्म, और नॉन नेचुरलिज्म या फिर इंट्यूशनिज्म वो क्या है कि नॉन डिफाइनेबल प्रॉपर्टी है, राइट। तो जहाँ पर मूर ने बात किया है गुड के बारे में, राइट, तो गुड इज अनडिफाइनेबल। ओके, तो देखो कॉग्निटिविज्म क्या है कि मॉरल जजमेंट्स आर प्रोपोजिशंस व्हिच आर ट्रूथ एप्ट, दे आर स्टेटमेंट दैट कैन बी कंसिडर्ड ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो कॉग्निटिविज्म में क्या होता है कि एक जो मॉरल जजमेंट्स है वो प्रोपोजिशंस होते हैं, राइट, और वो स्टेटमेंट बेस्ड है तो क्या वो ट्रू या फिर फॉल्स होगा, राइट, बाई नेचर। और नॉन कॉग्निटिविज्म क्या है कि वो इसका ऑपोजिट है, राइट। तो एथिकल सेंटेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट्स, सो दे आर फॉर दे कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स ट्रू, राइट। तो ये नेचुरली क्या है कि ये तो स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है वो ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, राइट। और देखो यहाँ पर मॉरल रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन सम सेंस मॉरल टर्म्स रेफर टू समथिंग रियल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मॉरल रियलिज्म में क्या बोलते हैं कि कुछ मॉरल टर्म्स है जो रियल है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, जैसे कि प्लेजर, हैप्पीनेस, यूटिलिटी, राइट, और गॉड्स कमेंड। और मॉरल एंटी रियलिज्म क्या है कि इसके ऑपोजिट है, राइट। तो क्या है कि मॉरल टर्म्स डू नॉट रेफर टू एनीथिंग रियल और द इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट दे आर समथिंग एल्स एंटायरली, जैसे कि योर पर्सनल एटीट्यूड्स, राइट, टुवर्ड्स समथिंग, तो वो क्या है, वो एंटी रियलिज्म है, राइट। तो मॉरल लॉज कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, और एथिकल नेचुरलिस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि मॉरल प्रॉपर्टीज आर नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी एग्जामाइंड एज सच, राइट। तो दे आर रिलेटेड टू समथिंग वी कैन एग्जामाइन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस एंड साइंसेस, राइट। तो एथिकल नेचुरलिज्म में हम लोग सेंस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं और साइंसेस को इस्तेमाल करते हैं, और जो एथिकल नॉन नेचुरलिस्ट है, ठीक है, वो इसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेंस एक्सपीरियंस और साइंस को इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि मॉरल प्रॉपर्टीज आर डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड विल्स, दे आर डिफाइनेटली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और यहाँ पर क्या था, कैन बी एग्जामिन्ड एज सच, राइट। तो ये है। ओके, आप देखो यहाँ पर एथिकल नेचुरलिज्म जो है, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आते हैं, और वो जो प्रॉब्लम है वो नेचुरलिस्टिक फैलासी में आते हैं। तो नेचुरलिस्टिक फैलासी क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो देखो, कैन नॉट डिड्यूस एन ऑट फ्रॉम एन इज, राइट, और कैन नॉट मूव फ्रॉम फैक्ट्स टू वैल्यूज, और कैन नॉट मूव फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजी टू एथिक्स. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ओके एथिकल नेचुरलिज्म में. ओके, तो यहाँ पर देखो, एथिकल थ्योरीज व्हिच कमिट्स द नेचुरलिस्टिक फैलसी. ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिवाइन कमेंट थ्योरी, ठीक है, तो ये किसका है, सेंट ऑगस्टिन का है, राइट, डिवाइन कमेंट थ्योरी. तो यहाँ पर क्या है कि गॉड इज द सोर्स ऑफ मोरालिटी, सो व्हाट एवर गॉड विल्स इज गुड, गॉड इज गुड इज एनालिटिकली ट्रू बाय डेफिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुड के बारे में बात हो रही है, राइट. तो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी क्या है कि जो गुड है, ठीक, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है. अगर वो डिफाइन कर दिया तो वो एक फिलोसफी के अंदर आते हैं, वो है नेचुरलिस्टिक फिलोसफी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेचुरल लॉ, तो नेचुरल लॉ के फादर किसके नाम से जाना जाता है, वो है एरिस्टोटल. ठीक है, तो और एरिस्टोटल किसके इन्फ्लुएंस में ये नेचुरल लॉ को कहा है, ठीक है, वो है ये जो आदमी यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है इसके. ठीक है, तो ये कौन सा है, ये थॉमस एक्विनस है. ओके, तो नेचुरल लॉ क्या है कि एज नेचर हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, इट हैज विद इन इट लॉज व्हिच ऑट टू बी फॉलोड, तो दिस विल लीड टू ह्यूमन हैप्पीनेस. ठीक है, तो ये भी नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के अंदर आते हैं. और यूटिलिटेरियनिज्म, ये तो आप सभी ने जानते हैं, ठीक है, तो इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है ये कौन से है. तो यूटिलिटेरियनिज्म कंसिडर्ड बाय एनालाइजिंग ह्यूमन नेचर, इट इज पॉसिबल टू प्रूव साइंटिफिकली दैट पीपल साइकोलॉजिकली डिजायर प्लेजर. ठीक है, और ये तो कांट है, राइट. तो कांट क्लेम्ड दैट आवर कैटेगोरिकल ड्यूटीज आर अप्रायोराई एंड बीइंग ग्राउंडेड इन रीजन फॉलो फ्रॉम लॉजिकल कंसिडरेशंस. ओके, तो यहाँ पर देखो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी क्या है कि अगेंस्ट नेचुरलिज्म है, राइट, और गुड एंड बैड आर नॉट नेचुरल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो यू कैन वेरीफाई मॉरल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो और यू कैन हैव ओपन क्वेश्चंस. ठीक है, तो जी ई मूर का एक ओपन क्वेश्चन आर्गूमेंट आते हैं, तो और वो यहाँ पर देखो लिखा है. तो देखो, इफ गुड वॉज रियली फॉर एग्जाम्पल प्लेजर, देन इट वुड नॉट मेक सेंस टू आस्क वेदर प्लेजर रियली वॉज गुड, राइट. तो ये स्टेटमेंट वन है. और स्टेटमेंट टू में क्या है, देखो, इट डज मेक सेंस टू आस्क वेदर प्लेजर रियली इज गुड, राइट. तो इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है कि गुड इज नॉट प्लेजर, राइट. और देखो, द सेम इज ट्रू फॉर एनी डेफिनेशन वी गिव ऑफ गुड, राइट. तो देखो यहाँ पर क्या है कि देयर फॉर गुड इज इनडिफाइनेबल. ओके, तो इंट्यूशनिज्म क्या है कि मॉरल वैल्यूज आर नोन बाई इंट्यूशन, कांट बी डिफाइंड एंड दे आर सेल्फ एविडेंट लाइक योलो. ओके, तो येलो कलर के जैसा वो. और देखो ये मतलब इंट्यूशनिज्म, ठीक है, तो ये जी ई मूर और डब्ल्यू डी रॉस, ठीक है, तो इन दोनों ने इंट्यूशनिज्म के बारे में बात किया है. तो जी ई मूर जो प्रिंसिपिया एथिका, ठीक है, 1903 में दिया है, ठीक है, इस ग्रंथों को लिखा था. तो वहाँ पर क्या है कि गुड इज ए नॉन डिफाइनेबल प्रॉपर्टी लाइक द कलर योलो, राइट. तो देखो, वी नो दैट योलो इज एंड कैन रिकॉग्नाइज इट व्हेन एवर इट इज सीन, बट वी कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन. ठीक है, तो जब मैं हम लोग जानते हैं कि येलो कलर क्या है, राइट, हम लोग इसको पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली ये जो कलर है वो येलो है. तो येलो क्या है वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, राइट. तो यह बात देखो, इन द सेम वे वी नो व्हाट गुड मीन्स बट कैन नॉट डिफाइन इट, राइट. तो गुडनेस इज लाइक ब्यूटी, ए क्वालिटी फाउंड इन थिंग्स बट विच कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट. तो ये सिंपल सा लिखा है. तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्लाइड है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो देखो यहाँ पर नॉन नेचुरलिज्म इंट्यूशनिज्म के बारे में हम लोगों ने और लिखा है. तो देखो, गुड मीन्स गुड सेल्फ एविडेंट, राइट, ए सिंपल आइडिया. गुड एक सिंपल आइडिया है, तो जिसको हम लोग और सिंपलर नहीं कर सकते, राइट. मतलब देखो, ए सिंपल आइडिया कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर आइडियाज. ओके, अदर सर्टेन वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर नॉन डिफाइनेबल
दैट इज नॉट ए सिंपल वर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड फर्दर देन द सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक वी यूज इट टू डिफाइन अदर आइडियाज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फ्लिप्पा फूड ने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लिप्पा फूड जी ई मूर्स सेंट्रल थीसिस वॉज दैट गुडनेस इज अ नॉन डिफाइनेबल प्रॉपर्टी डिस्कवर्ड बाई इंट्यूशन। ठीक है, तो जी ई मूर ये क्या है, एन इंट्यूशनिस्ट या फिर एन आइडियल यूटिलिटेरियन? तो ये दोनों ही है, राइट। तो एन इंट्यूशनिस्ट भी है और आइडियल यूटिलिटेरियन भी है, राइट। तो आइडियल यूटिलिटेरियन और एक भी है, वो कौन सा है? जी ई मूर और रसडल, राइट। तो ये भी आप लोगों ने याद में रखो। ओके, तो देखो जी ई मूर इज अ फेमस फॉर हिज एनालिसिस ऑफ एथिकल लैंग्वेज इन प्रिंसिपिया एथिका इन 1903, वायर ही फेमसली असर्टेड दैट गुड इज नॉन डिफाइनेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो सर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो दिस लीड टू मूर बींग लेवल्ड एंड इंट्यूशनिस्ट एज वी नो दैट योलो इज एंड कैन रिकोगनाइज इट व्हेन एवर इट इज सीन, बट वी कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन इट, राइट। तो इन द सेम वे वी नो दैट गुड मीन्स बट कैन नॉट डिफाइन इट। ओके, तो ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, एन एज एन आइडियल यूटिलिटेरियन मूर सजेस्ट दैट देयर आर थ्री इंट्रिंसिक गुड्स, कौन कौन सा है? प्लीजर, फ्रेंडशिप और एस्थेटिक एप्रिसिएशन, राइट। तो एंड सो राइट एक्शंस आर दोज व्हिच इंक्रीज और प्रमोट दिस इन द वर्ल्ड फॉर द मोस्ट पीपल। ठीक है, अब हम लोग डब्ल्यू डी रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसका इंट्यूशनिज्म क्या है? तो डब्ल्यू डी रॉस वॉज एन इंट्यूशनिस्ट हु आर्ग्यूड दैट द मैच्योर पर्सन इंट्यूटिवली नोज व्हाट इज गुड, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने मैच्योर पर्सन को जो टर्म है वो इस्तेमाल किया है। मॉरल्स आर लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर सेल्फ एविडेंट टू द मैच्योर माइंड, द मॉरल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशंस इज जस्ट एज मच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स एज इज द स्पेशियल और न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर एक्सप्रेस्ड इन द एक्सियम्स ऑफ जियोमेट्री और अरिथमेटिक। तो मॉरलिटी इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव है मॉरलिटी, बट मॉरल्स आर कंडीशनल, ठीक है, ये कंडीशनल भी है। तो वेदर दे शुड बी फॉलोड डिपेंड्स ऑन व्हिच इज वंस ओवरराइडिंग ड्यूटी इन द पार्टिकुलर सिचुएशन। तो व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज अराइज वन शुड फॉलो द ओवरराइडिंग ड्यूटी। ओके, तो ये बेसिकली ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डब्ल्यू डी रॉस का, ठीक है, सिक्स प्रीमा ड्यूटीज है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से बारे में बात किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो सिक्स प्रीमा फेस ड्यूटीज। तो ड्यूटीज वन ऑट टू फॉलो इंट्यूटिवली इन द एब्सेंस ऑफ एन ओवर राइडिंग ड्यूटी। ठीक है, तो कौन कौन सा है? फेलिडिटी मतलब फेथफुल टू प्रोमिस मेड, ग्रेटिट्यूड मतलब अप्रिसिएशन फॉर सपोर्ट ऑफर्ड, ओके, जस्टिस मतलब इम्पार्शियल इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेजर, तो बेनिफिशंस, ठीक है, मतलब हेल्प फॉर अदर्स, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, और नॉन मेलिफिशंस मतलब अवॉइड हार्मिंग अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेनिफिशंस और नॉन मेलिफिशंस ये दोनों तो हम लोग जो अप्लाइड फिलोसॉफी है, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, मेडिकल एथिक्स में। और यहाँ पर देखो रॉस डज नॉट रैंक दिस ड्यूटीज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो द मैच्योर पर्सन इंट्यूटिवली नोज द दिस प्रीमा फेस ड्यूटीज आर ट्रू एंड मे फॉलो द अप्रोप्रिएट ड्यूटी गिवन द डिमांड्स ऑफ द पार्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ये जो ड्यूटीज है सिक्स प्रीमा फेस ड्यूटीज, ठीक है, तो वो इंट्यूटिवली जानते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, वो करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं इमोटिविज्म के बारे में। तो इमोटिविज्म क्या है? तो देखो इमोटिविज्म एक मेटा एथिकल थ्योरी है, राइट। तो जो
एजे एआर और सी एल स्टीवेंसन के साथ ये पॉपुलर हुआ था, राइट, इमोटिविज्म, ठीक, और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर भी आते हैं, राइट। तो इमोटिविस्ट क्लेम्स दैट देयर इज नो मॉरल लॉ इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो इमोटिविज्म जो है, ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में कोई मॉरल लॉ नहीं रहता है, राइट, और देयर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स भी नहीं रहते, राइट। और दे क्लेम दैट मॉरल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ आवर फीलिंग्स टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर इश्यूज सच एज एबोर्शन, ओके। तो और इमोटिविज्म क्वेश्चंस द नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ एथिकल लैंग्वेज, तो इट क्वेश्चंस व्हाट आर डूइंग व्हेन वी मेक मॉरल क्लेम्स सच एज किलिंग इज रॉन्ग, राइट। इमोटिविस्ट सच एज एयर सेज दैट मॉरल स्टेटमेंट्स आर नॉट फैक्चुअल, ठीक है। तो दे आर नो फैक्ट, ठीक है, तो देयर आर नो फैक्ट्स दैट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स इन द स्टेटमेंट्स किलिंग इज रॉन्ग, ओके। तो देखो, एथिकल स्टेटमेंट्स मेरिली एक्सप्रेसेस ए पर्सन्स इमोशंस, तो और दे हैव नो कॉग्निटिव नॉलेज कॉन्टेंट एंड दैट इज एथिकल सेंटेंसेस आर नेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे कि टॉर्चर इज गुड, ठीक है। तो बिकम अ पॉपुलर थ्रू द वर्क ऑफ अल्फ्रेड एयर एंड लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, ओके। तो एथिकल सेंटेंसेस सिंपली एक्सप्रेसेस एंड इंडिविजुअल्स इमोशन, ठीक है। तो ये वो थ्योरी ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ये वो थ्योरी क्या है कि अगर आप लोगों ने किसी भी मैच को देखने जाते हो, ठीक है, लाइक क्रिकेट या फिर फुटबॉल, ठीक है, तो आप किसी भी एक टीम को सपोर्ट करते हो, तो अगर वो टीम, ठीक है, छक्का पे छक्का मारे जा रहे, ठीक है, और गोल पे गोल दे जा रहे, तो आप लोग चीयर्स करते हो उसके लिए, राइट। तो ये और वो क्या करते हो कि अगर आपके सपोर्टिव टीम, ठीक है, वो हारे जा रहे हैं, राइट, तो आप लोग क्या करते हो, वो, राइट, या फिर आपके जो ओपोनेंट टीम है, ठीक है, वो मारे जा रहे, तो आप लोग उसको डिमोटिवेशन करने के लिए क्या करते हो, वो। तो वो है एक, या वो थ्योरी ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं डेविड ह्यूम के, ठीक है। तो पहले हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रियलिज्म कॉग्निटिविज्म, ठीक है, तो ये क्या है कि मॉरल सेंटेंसेस और प्रोपोजिशंस आर सेंटेंसेस दैट रेफर्ड टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो दे कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट, कॉग्निटिविज्म। और एंटी रियलिज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म क्या है कि मॉरल स्टेटमेंट्स डू नॉट रेफर टू द वर्ल्ड, दे कैन बी ट्रू और फॉल्स, ओके। और देखो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मॉरल स्टेटमेंट्स डू नॉट रेफर टू द वर्ल्ड एंड आर नॉट ट्रू बाई डेफिनेशन, देन दे आर मीनिंगलेस, ठीक है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या बोलते हैं कि अगर मॉरल स्टेटमेंट्स जो है, ठीक है, वो अगर इस दुनिया में जो चीज़ है, ठीक है, उसको अगर रेफर नहीं करते हैं, तो वो अगर ट्रू नहीं है डेफिनेशन के अंदर, तो उस वो क्या है, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ह्यूम के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेविड ह्यूम, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ह्यूम सेंटिमेंट, ठीक है, तो मोरालिटी कैन नॉट बी प्रूवन एम्पिरिकली, राइट, रादर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल सेंटिमेंट, राइट। तो रीजन इज एंड ऑट टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस। जस्टिफिकेशन फॉर सच थिंकिंग लाइज इन ह्यूम्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज नोन एज ह्यूम्स फॉर्क, ठीक है। तो ह्यूम्स फॉर्क क्या है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ह्यूम्स फॉर्क, ठीक है, तो ह्यूम कैटेगोराइज टू काइंड्स ऑफ नॉलेज एज बींग एदर एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एनालिटिक स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, वो टोटोलॉजीज है, राइट, वो टोटोलॉजीज है, बाई डेफिनेशन वो ट्रू है, राइट। और जो सिंथेटिक स्टेटमेंट्स है वो क्या है, वो एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स है, राइट, उसको हम लोग जो सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा जान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो टोटोलॉजीज क्या है कि रिलेशन ऑफ आइडियाज है, और
जो सिंथेटिक स्टेटमेंट है वो मैटर्स ऑफ फैक्ट है। तो यह बताए मॉरल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देते हैं, ये जो एनालिटिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 + 2 = 4, राइट, तो ये बाय डेफिनेशन ये ट्रू है, राइट, ये लॉजिक। तो यहाँ पर देखो जो सिंथेटिक स्टेटमेंट्स है वो डिराइव फ्रॉम द 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट, जैसे एम्पिरिकल नॉलेज बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, राइट। अदो एज ए आर का जो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। तो एज ए आर ए स्टेटमेंट इज एदर एनालिटिक और सिंथेटिक टू बी मीनिंगफुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटोलॉजीज दिया हुआ है एनालिटिक, और यहाँ पर एम्पिरिकल दिया हुआ है वो सिंथेटिक है, राइट। तो टोटोलॉजीज क्या है कि ट्रू बाई डेफिनेशन, राइट, जैसे कि मैथ्स, ग्रामर्स, राइट, और यहाँ पर देखो सेंस एक्सपीरियंस के तरह आते हैं, राइट, यहाँ पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के तरह आते हैं, ऑब्जर्वेशन। और एथिकल स्टेटमेंट्स क्या है कि नेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन प्रिंसिपल दे आर फॉर मीनिंगलेस, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ट्रू या फिर फॉल्स नहीं होगा तो वो जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो मीनिंगलेस है, राइट। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो 20th सेंचुरी में आया था वहाँ पर ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल एज ए आर ने दिया। ओके, तो अब चैलेंजेस आते हैं इमोटिविज्म के अंदर, ठीक है, तो वो कौन कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो फिलिप्पा फूट ने चैलेंज किया है, ठीक है। तो देखो इमोशंस बेस्ड ऑन बिलीव्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिलिप्पा फूट और यहाँ पर देखो जी जे वार्नक है, ठीक है। तो फिलिप्पा फूट ने क्या कहा कि इमोशंस आर बेस्ड ऑन बिलीव्स, राइट। तो इफ वन कैन शो बिलीव्स आर इनएक्यूरेट इट इज पॉसिबल टू चेंज इमोशंस, ये फिलिप्पा फूट के आर्गुमेंट है। और जी जे वार्नक, ठीक है, वो क्या कहा है कि एथिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विथ इमोशंस बट वेदर क्लेम्स आर वैलिड कैन बी सपोर्टेड बाय रीजन्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यह इसका जो मेन फंडा क्या है कि इमोशन बेस्ड ऑन बिलीव्स और रीजन सो इमोशंस कैन चेंज, राइट। ओके, तो अब इमोटिविज्म के और एक थ्योरी आते हैं, वो है सी एल स्टीवेंसन के द्वारा, ठीक है। तो सी एल स्टीवेंसन ने एक ग्रंथ लिखा था एथिक्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, 1944 के अंदर। तो यह बार क्या डिस्कस किया है कि इमोटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स, राइट। तो व्हेन मेकिंग अ मॉरल जजमेंट वी आर ऑफरिंग आवर ओपिनियन ऑन इट बट ऑल्सो ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स एटीट्यूड्स। ओके, अदर एथिकल स्टेटमेंट्स आर दे आर फॉर बेस्ड ऑन इमोशंस बट ऑल्सो ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ वी वॉन्ट इट टू बी। और एथिकल एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स आर डिसएग्रीमेंट्स अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रेस्क्रिप्टिविज्म के बारे में। तो यहाँ पर देखो नॉन कॉग्निटिव थ्योरी है, राइट, प्रेस्क्रिप्टिविज्म, तो ये आर एम हेयर के द्वारा दिया गया है। तो ये पर देखो डिस्क्रिप्टिविज्म जो है, ठीक है, वो क्या है कि एथिकल लैंग्वेज सिंपली डिस्क्राइब्स चॉइसेस पीपल मेक, राइट। और इमोटिविज्म क्या है कि एथिकल लैंग्वेजेस एक्सप्रेसेस द सब्जेक्टिव इंडिविजुअल इमोशंस। ओके, तो ये सारे को रिजेक्ट किया है डिस्क्रिप्टिविज्म और इमोटिविज्म को। और यह पर देखो प्रेस्क्रिप्टिविज्म क्या बोलते हैं कि मस्ट हैव ए लॉजिकल एंड सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यह पर नो ऑब्जेक्टिव राइट और रॉन्ग बट एथिकल लैंग्वेज इज एक्शन गाइडिंग, राइट। तो यह पर जो एथिकल लैंग्वेज है वो है एक्शन गाइडिंग है, और यूनिवर्सलाइज मॉरल प्रिंसिपल्स यहाँ पर आते हैं, राइट। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म के अंदर तो देखो मॉरल सेंटेंसेस आर नॉट जस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन बट कमेंट्स और रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पर बिहेवियर की बात होगी। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म जो है वो एक कांटियन इन्फ्लुएंस है, राइट। तो देख लेते हैं, तो देखो हेयर्स आइडिया ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग मॉरल मैक्सिम्स कैन बी सीन टू हैव इट्स रूट इन कांट्स कैटेगोरिकल इंपरेटिव, राइट। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सलाइजिंग मॉरल मैक्सिम्स के बारे में हेयर के आइडिया है, ठीक है, वो हम लोगों ने कांट के जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव है वहाँ पर, ठीक है, जो जड़ है वो पाए जाते हैं। तो एट द हार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्टिविज्म
इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी विद इन एथिक्स। तो फॉर हेयर इट इज इनकंसिस्टेंट टू एडवोकेट ए मोरल अप्रोच एंड येट नॉट बी प्रिपेयर्ड टू एसर्ट दैट अदर्स इन अ सिमिलर सिचुएशन शुड नॉट एक्ट इन अ सिमिलर फैशन। रीजन एंड लॉजिक वुड सजेस्ट दैट यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज सेंट्रल टू एथिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कहानी है, तो आप लोग पढ़ लेंगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इमोटिविज्म और प्रिस्क्रिप्टिविज्म के अंदर एक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिविज्म के बारे में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिविज्म क्या है कि एथिकल लैंग्वेज सिंपली डिस्क्राइब्स चॉइसेस पीपल मेक्स। तो देखो, ये डिस्क्रिप्टिविज्म मतलब वर्णनवाद। ठीक है, तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है नियो नेचुरलिज्म, मतलब नोबो प्रकृतिवाद। ठीक है, और ये जो डिस्क्रिप्टिविज्म जो टर्म है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया है आर एम हेयर। ठीक है, जो कि प्रिस्क्रिप्टिविज्म के प्रोपाउंडर है। ठीक है, तो उन्होंने ये सर्वप्रथम इस डिस्क्रिप्टिविज्म को उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दिस चैलेंजेस प्रैक्टिस प्रिस्क्रिप्टिविज्म एज इट फोकसेस नॉट ऑन व्हाट वी शुड बी सेइंग बट हाउ वी एक्चुअली स्पीक। ठीक है, तो इट एम्स टू ऑब्जर्व द लिंग्विस्टिक वर्ल्ड एज इट इज विदाउट द लिंग्विस्टिक बायस अफेक्टिंग दिस ऑब्जर्वेशन। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामरियंस आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इज इंग्लिश लाइक, व्हाट आर इज फॉर्म एंड हाउ डू दे फंक्शन इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्ट प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामरियंस आस्क कि व्हाट शुड इंग्लिश बी लाइक। ठीक है, तो व्हाट फॉर्म शुड पीपल यूज एंड व्हाट फंक्शन शुड दे सर्व। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिविज्म जो थ्योरी है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं पाया है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिविज्म किसके थ्योरी है, ये सिर्फ एक का थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ये फिलिपा फूड, पीटर गीज, ठीक है, तो जे जे वार्नक, ठीक है, कुड बियर टोलेमेन, ठीक है, ये सारे ने डिस्क्रिप्टिविज्म के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रेस्क्रिप्टिविज्म हुआ है, इमोटिविज्म हुआ है, इंट्यूशनिज्म हुआ है, राइट, तो डिस्क्रिप्टिविज्म इतना फेमस नहीं हुआ है। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक तो डेफिनेटली मिलते हैं, और अलर्ट मैसेज भी आप लोग यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, तो आप सर्च करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो चैनल का लिंक काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह का एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोज़ और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट सेशन किसके बारे में चाहते हो, तो उसी के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपलोड करो। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलते। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।